विद्यार्थी को टाइमली मिल जाएगा, ऐसा कोई निर्देश विभाग को देना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल आपने जो आदेश दिया है तो इसका हम समय का निर्धारण तुरंत कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री गौतम लाल। प्रश्न संख्या 33। आगे वाला माइक बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में, जी हाँ, आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। खंड 2, आशा सहयोगिनियों को ICDS की ओर से प्रतिमा नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान किया जाता है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, ये सेवा स्वैच्छिक सेवा भावना समुदाय कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है, लेकिन इनको जो रोज़गार दिया जाता है वो मानदेय बताया 2700 रुपया, एक रोज़गार गारंटी में जो काम करता है उनसे भी बहुत कम है। अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा वगैरह में इनके 15000 से भी ज़्यादा इनका मानदेय है। आप जब चुनाव आता है उस समय तो आप इनको आश्वासन वायदा दे देते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद में ये वापस मान सकते हैं। प्रश्न तो क्या इनको आप इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा करते हैं? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इनको सरकारी सेवा में इनको नियमित करने का भी आप विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि मानदेय बढ़ाने की आप विचार रखते हैं, तो NHM के तहत ये कार्य कर रहे हैं उसमें जो इनकी मानदेय वृद्धि 2013-14 के बाद में बिल्कुल नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आशा सहयोगिनियों ने जो कोविड के दौरान घर घर जाके सर्वे में जो सहयोग दिया और जो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को 2/1/2021 को NHM में वृद्धि करने का पत्र भी भेजा और हमें उम्मीद थी कि बजट के दौरान पैसा बढ़ेगा और 2013-14 के बाद में कोई पैसा NHM के दौरान नहीं बढ़ा है, जबकि जो राजस्थान सरकार में 2009 से लेकर 2019 तक 7 बार इनका मानदेय वृद्धि की गई है और जो 2700 रुपये राजस्थान सरकार वहन कर रही है 100% अंशदान, उसके अंदर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का अंशदान नहीं है, जबकि मानदेय कर्मचारियों का जो स्क्रूटनी होती है उसके तहत ये फिक्स है कि 60-40 का रेशो रहेगा, 60% राशि भारत सरकार की, 40% राज्य सरकार की। मुझे सदन में ये कहते हुए अफसोस है इस बात का कि 40% के एवज में 2700 रुपये 100% राज्य सरकार अंशदान दे रही है, जबकि भारत सरकार का अंशदान इसमें कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करना चाहूँगी और आग्रह करना चाहूँगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि आशा सहयोगियों की मानदेय वृद्धि की चिंता आपको और हमको सबको है। कृपया यहाँ प्रश्न तो आप पूछें, आपका अधिकार है, लेकिन साथ में आप प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखें कि 60% की राशि केंद्र सरकार हमें दे जिससे हम लोग इनका वेतन को बराबर कर सकें। अगला प्रश्न। आप तो केवल इतना ही बता दो कि कम से कम न्यूनतम वेतन किसी को भी काम लेते हैं तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कानून एक। दूसरा, आपने ये जो बजट वर्ष 19-20 जो रखा है उसका जो पैरा नंबर 122 है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5750 और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 3500 से बढ़ा करके करता हूँ मैं। ये 19-20 का बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपने जिस प्रकार का 19-20 के बजट में जोड़ा, ये तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ये आपका 2014 में 4330 था, 16 में 4730 हुआ, फिर 1/4/18 को मानदेय केंद्र सरकार ने
1/4/18 तारीख को याद रखना, उसमें कर दिया था 6,000, जिसका रेफरेंस आप अपने बजट में दे रहे हो 19-20 के बजट में कि हम इसको 7,500 कर दें। ये तो उन्होंने 1/10/18 को ही कर दिया है। क्या ये सही है या आपका ये बजट सही है, ये बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं या आशा की, इसको स्पष्ट करें। मैं तो आपको, आपने जब कहा ना कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, आपकी जो केंद्र सरकार की चिट्ठी के ऊपर बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री जी का पत्र है जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। माननीय मंत्री जी, एक बार एक सेकंड में आपसे इतना ही निवेदन है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये जो केंद्र सरकार को आप आशा सहयोगियों के लिए जो चिट्ठी लिख रहे हो ना, उस चिट्ठी के रेफरेंस में ये चिट्ठी आप इसी तरह से लिखते हो कि आप अपने बजट में 19 में घोषणा करते हो 122 पैरा में। ये तो राज्य केंद्र सरकार ने आपको 18 के अक्टूबर महीने में ही ये कर दिया था, उसको आप 19 के बजट में जोड़ करके आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बाबूलाल जाडोल, प्रश्न संख्या 479। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ ये